इंसान जब भी कोई काम करता है तो उसके पेश नज़र उस काम से कोई फ़ायदा उठाना होता है। कारोबार करता है तो उसके पेश नज़र यही है कि इस कारोबार से मैं कुछ फ़ायदा उठाऊंगा। बिजनेस करता है, कारोबार करता है या किसी किस्म को भी कोई काम इंसान अख्तियार करता है तो मकसद उसका ये होता है कि इससे मैं कोई दुनियावी फ़ायदा उठाऊँ। कोई दरख्त लगाता है तो दरख्त के साथ भी उसको फ़ायदा है तो दरख्त लगाता है। उसके ज़हन में ये हुआ कि मैं दरख्त लगाऊंगा, बड़ा होगा, फिर इससे जो फल लगेंगे मैं फल खाऊंगा। बग़ैर वजह के आदमी दरख्त तो नहीं लगाता। आम का दरख्त लगाएंगे अब तो जहन में ये हुआ कि इसके आम निकलेंगे तो हम आम खाएंगे, फिर इसकी पेड़ होगा, जो भी दरख्त हम लगाएंगे तो उसके पीछे ये है कि उसका कोई फल निकलेगा तो हम उसको खाऊंगा। इस मिसाल के साथ ये भी समझ लें कि भाई जब दरख्त कोई लगाता है इंसान और वो चाहता है मैं उससे पूरा फ़ायदा उठाऊँ, उसका फल भी लूँ, तो यकीनन फिर उस दरख्त की भी उसको हिफाजत करनी पड़ती है। तो बेवकूफ़ी होगा कि वो चाहता है कि भाई मैं काश्त करूं, गंदम के बीज डालूं, उसके जहन में ये ना हो कि मैं इसे गंदम लूँगा, तो उस गंदम को हासिल करने के लिए या उस दरख्त से फल हासिल करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो होगी वो उस दरख्त की हिफाजत होगी। कोई भी आप देखने माली हो या एग्रीकल्चर काम करने वाला हो तो कभी ऐसा खाली नहीं छोड़ता खेतों को, छोड़ देता है, दरख्त लगाने के बाद उसको खाली नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ेगा। दरख्त की हिफाजत में जिस तरह प्लांट है, आदमी क्या कुछ करता है जो हिफाजत करता है। सबसे पहले एक दरख्त को लगाने के लिए तो एक ज़मीन चाहिए अच्छी, ज़मीन के साथ भी होगा जहर है। दरख्त के लिए सोचना कि क्या होगा, उससे भी एक बड़ी चीज़ है कि उस प्लांट के लिए उस दरख्त को, बीज को, और फिर उसके लिए खाद होनी चाहिए। पलट रहे थे वो भी सोचेगा
वो भी डालता है। उससे भी अहम चीज़ ये है कि भाई आबोहवा क्लाइमेट होनी चाहिए उसके लिए मुनासिब, उसके साथ फिर जो है अहम चीज़, जो सबसे अहम चीज़ वो है कि जिसके बगैर पौधा लगता ही नहीं है, वो है पानी है। पानी पे तो बहुत झगड़े होते हैं हमारे मुल्क में, आप देख लें खेतों के बारे में कत्ल भी कर देते हैं लोग। पानी जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, खाद भी हो, ज़मीन भी हो, बीज भी हो, सब कुछ हो, लेकिन पानी ना हो तो पौधा नहीं उगेगा, पौधा फल नहीं देगा। पौधा लगा देंगे आप मुरझा जाएगा या कमज़ोर होगा या कुछ भी नहीं होगा उसमें, ऐसे है ना भाई। ये मिसाल है समझने के लिए, तो पता ही चला कि कोई भी प्लांट, कोई भी दरख्त हम लगाएं तो उसके लिए सबसे बड़ी अहम चीज़ क्या है, पानी है। पानी सींचते हैं उसको, मतवातर पानी देंगे उसकी अहमियत के मुताबिक वो पौधा निकलना शुरू हो जाए। गमले में आप लगाएं प्लांट, घर में लगाएं आप, तो पानी डालते हैं उसमें थोड़ा, पानी ना डालें तो पौधा ख़त्म हो जाएगा। पानी तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, जो आप जो बैठे में बैठे 95% तो हम पानी है। अगर पानी का हमारा भाप बना दें आप तो कुछ भी ना, सब ख़त्म हो जाए, सारा जिसम 95% पानी भी कंसिस्ट करता है। तो जिसम भी इंसान के पानी के साथ चलता है, पौधा भी इंसान के पानी के साथ चलता है। ये मिसाल जब समझ आ गई तो इसलिए बात आपको बताता हूँ कि अल्लाह सुबहाना ताला जब हमें कोई तौफीक अता फरमाते हैं किसी अमल की, मैंने सुबहाना ताकि आपको जगाओ भी अल्लाह के जिक्र से, जब अल्लाह ताला हमें किसी अमल की तौफीक नसीब फरमाते हैं तो क्या उसके पीछे हमारे ये ख्याल नहीं होता कि इस अमल से हम फ़ायदा उठाएं? होता ही नहीं होता, होता तो नहीं। एक्चुअली नमाज पढ़ी, बस पढ़ लीजिए। कुरान पढ़ा, हाँ जी हमने कुरान पढ़ लिया। उमरा की, हाँ जी हमने तो उमरा कर लिया, तलावत कर ली। ऐसे होता है ना, कभी ये तो सोचते हैं कि जब दरख्त लगाते हैं तो सोचते नहीं हम कभी इससे फल भी लेना है, तो कभी सोचा कि ये जो नमाज है, जो मैंने अभी नमाज पढ़ी, अल्लाह ने मुझे तौफीक दे दी है, तो इस नमाज से मैं फ़ायदा ले लूँगा पूरा। नमाज के तो फ़ायदे इतने ज़बरदस्त हैं, इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि इस आदमी सोच भी नहीं सकता। एक पौधे की क्या कीमत, उसके आम के पौधा क्या उसके लिए, कुछ भी नहीं है। लेकिन नमाज तो एक ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने कि पूरी जितनी भी इबादत है सबकी रूह जो है वो क्या है, ऊँचा बोले, सब कुछ करते हैं आप नमाज नहीं है तो कोई फायदा नहीं। अल्लाह पाक ने नमाज को तभी तो ज़मीन पे नहीं दिया, आसमानों पे अल्लाह पाक ने दिया नमाज, आप ये देखिए। तो इतना बड़ा अमल हम कर रहे हैं, तौफीक दी अल्लाह ने, अभी हमने सोचा कि इस नमाज से मैंने फ़ायदा भी लेना है। तो जिस चीज़ जिस पौधे से आप फ़ायदा लेंगे, अपनी मन से फ़ायदा लेना है, मैंने फल लेना है, तो उस पौधे की आप हिफाजत नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो हम नमाज की क्या हिफाजत करते हैं मुझे बताएं। पौधा लगाने के बाद आप कहेंगे फल लग जाएगा, उसको छोड़ दें, हिफाजत आप ना करें, फल देगा वो। नमाज पढ़ तो ली हमने, पढ़ ली नमाज, लेकिन क्या इसका वो फ़ायदा मिलेगा? कितना बड़ा फ़ायदा नमाज का भी देख रहे, बताया कि नमाज मोमिन की मेराज है। बोले सुबह किससे ही खत्म, ये वो अमल अल्लाह ने हमें करने की अता फरमा दिया कि बस ये वो अमल तुझे दे रहे हैं, तू मुझसे बात कर, मैं तुझसे बात करूँ सुबह। और होता है किसी नमाज पढ़ने वाले से पूछें, सुबह अल्लाह, किसी नमाज पढ़ने वाले से पूछें तो कहता है मैं तो नमाज में गुफ्तगू ही करता रहा अल्लाह के साथ, मैं दुआएं करता रहा, वो कबूल करता रहा। सुभानअल्लाह, जब अल्लाह ने कहा है वो मेराज है, तो मेराज होती होगी या नहीं होती होगी? कोई आम शख्स तो नहीं ना जात की चीज़ को कि ऐसे है, अल्लाह पाक को ऐसी बातें तो नहीं ना करते। अल्लाह ने कहा ये नमाज लो भाई, मैं तुम्हें नमाज दे रहा हूँ, इस नमाज को बस पढ़ो, ये नमाज तुम्हारे लिए तोहफा है, इतना बड़ा तोहफा है कि जब तुम मुझसे बात करना चाहो, मेरे करीब मुझे बातें सुनना चाहो, मुझसे बातें सुनना चाहो, मुझसे कुछ लेना चाहो, बस ये नमाज पढ़ लो दो रकात।
अल्लाह पाक ने तभी तो ये इस इबादत के साथ ये ताल्लुक रखा है हमें कि अल्लाह सुभान व तआला मोमिन से मिलता है, मोहब्बत करता है, याद रखिए। तो उसने इस अपनी मोमिन के साथ ताल्लुक ये रखा सुभान अल्लाह कि कोई इबादत आप देख लें ऐसी कि पांच वक्त अल्लाह बुलाता हो, नहीं, इस इबादत के लिए कहता है सुबह भी उठ के आ जा मेरे पास, दोपहर में भी आ जा, सुबह जब खरूब होने लगे सूरज उस वक्त भी आ जा, और जब रात आने वाली उस वक्त भी आ जा, और जब रात आ जाए तो उस वक्त जरूर आ जा। सुबह तो ये जबरदस्ती उसने किया कि इसको फर्ज करो इनके लिए, क्योंकि ये नादान है, इनको पता नहीं है कि तुम्हारा रब कितना मुश्ताक है तुमसे बातें करने के लिए, कितना शौक रखता है कि तुमसे बातें करें, कितना पसंद है कि तू दुनिया में परेशान होगा, मुझे पता है हजारों चीजें तेरे साथ होंगी, कौन तुझे पूछेगा, जब तुझे कोई पूछेगा नहीं तो कभी बुतों के पास जाएगा, कभी उससे मांगता फिरेगा, कभी दरख्तों के पास जाएगा, कभी इसको ढूंढता फिरेगा। मोमिन की शान देखेंगे, तूने कलमा पढ़ा है तो मैं नहीं चाहता कि जब दुनिया के हालात में तुझे परेशानी हो, कभी बिजनेस में हो, कभी लड़ाई हो, तो टाइम स्पेस अल्लाह ने ऐसे रख दिया फौरन तू आ जाए मेरे पास, मैं और तू बातें करेंगे। हो सकते नहीं, जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं तुम्हें दूंगा देना, सुभान अल्लाह, पूरा सुकून लेके जाता है आदमी, है या नहीं भाई? ऐसा शैतान छोड़ो या फर्ज क्या पढ़ना, ठीक है, उन नमाजों के टाइम पे इंसान के साथ कितनी सुस्तियां लगा देते हैं, मुझे बताएं कितना बेकार कर देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पौधे की हमने इतनी हिफाजत की, सब आम लेने के लिए या कुछ और फल लेने के लिए, तो क्या अल्लाह की नमाज की हिफाजत की अभी हम तौफीक नहीं हुई कि अल्लाह की नमाज की हिफाजत करें? और यह बगैर हिफाजत की नमाज कैसी परवान चढ़ेगी, मुझे यह बताएं। शैतान और नफ्स से जो हमारी इबादत को छीन लेगा, ख़त्म कर देगा, बेनिफिट ख़त्म कर देगा, जैसे आपने कोई दरख्त लगाया, कीड़े आएंगे, मकोड़े आएंगे, उसको ख़त्म करेंगे, इसको आते हैं ना ऐसे, तो उसके लिए दवाएँ छिड़कते हैं, हिफाजत करते हैं कि कीड़े ना लगें, जहर ना हो। तो इसी तरह नमाज के साथ, इसी तरह हर निकी के साथ है। तो मैंने आपको नमाज की मिसाल दी, और सबसे बड़ी चीज़ तो जिस वक्त नमाज के अल्लाह ने संभल के हमें तौफीक दे दी, तो आप ये बताएं इतनी बड़ी तौफीक दी अल्लाह ताला ने कि जिसको नमाज पढ़ने की तौफीक दी वो करोड़ों उन इंसानों से जो नमाज नहीं पढ़ते अलग हो गए, हालांकि कलमा वो भी पढ़ते हैं, ईमान वो भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिसने आगे नमाज पढ़ ली वो उन करोड़ों इंसानों से अल्लाह ने उसको मुख्तलिफ कर दिया जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, फैसला कर दिया उसी वक्त, बेनमाजी और नमाजी में एकदम फर्क हो गया उसी वक्त। तो अल्लाह ने इतना करम किया कि कितने बड़े चीज से मुझे और आपको बचा लिया अगर हमने नमाज पढ़ ली, सुभान अल्लाह, कितना बड़ा करम फरमाया कि मैं उस चीज से बच गया जिस पर अजाब लिखे अल्लाह पाक ने, कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए तो अल्लाह ने कह दिया कि ये कुफ्र से मिल गया, बल्कि बाज रवायत में तो ये आता है कि इस्लाम से निकल गया। बताएं क्या ऐसे कारोबारों का फायदा, क्या ऐसी दुकानों का फायदा, क्या ऐसे मकानों का फायदा जिससे इंसान की नमाज खत्म हो, मुझे बताएं क्यों, क्या क्या लेके जाएगा आदमी उससे? ये एक नमाज की बात कर रहा हूं, सारी नमाजों की नहीं कर रहा है कि सारी नमाजों के लिए, चलो अल्लाह ने कहा कि नहीं नहीं एक नमाज के तो कुछ नहीं करूँगा, ये एक नमाज की बात कर रहा हूँ, कुफ्र से मिल जाता है आदमी, याद रखें इस्लाम से निकल जाता है आदमी एक नमाज, फिर कहते हैं हमें क्या जी, हमें जिंदगी क्या, सारी दुनिया की दौलतें आपके सामने रख दें, क्या है कारोबार जी, दुकानें क्या चीज़ें, बगैर नमाज के इंसान जो काम करता है क्या है वो, पैसा किस स्टेज पर खड़ा है, नहीं पता। जितनी जहनी नफसियाती खुशी होती है एक इंसान की गुनाह करके कि भाई मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं, तो एक कितने बड़े नुकसान से अल्लाह ताला देखें कि जो नमाज इंसान नहीं पढ़ रहा अल्लाह सुब्हान व तआला उसके चेहरे पर भी सख्त कर देता है, लिख देता है तहरीर उस आदमी के चेहरे पर, और सब पढ़ते हैं फरिश्ते उसके बारे में, फरिश्ते क्या पढ़ते हैं, खुद अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसे लोग जिनके दिलों को खोल देते हैं वो भी उनके चेहरे में पढ़ लेते हैं और नजरें झुका लेते हैं उस इंसान से, वो पढ़ लेते हैं तहरीर अल्लाह की लिखी होती है इनके माथे पर,
इसने फजर छोड़ी है, जोहर छोड़ी है, असर छोड़ी है, मस्तियाँ करता रहा, बैठा रहा, चला जाऊंगा जी, आ जाऊंगा जी, बोलते भाई अल्लाह उसके चेहरे पे लिख देता है, तहरीर कर देता है, तीन तहरीरें उस पर सख्त हो जाती हैं उसके चेहरे पर, अल्लाह ताला कर देता है जो नमाज को इंसान जानबूझ के छोड़ते हैं क्या। पहली चीज़ तो अल्लाह ताला उसके चेहरे पे यही लिख देता है कि बंदा जो है इसने अल्लाह का हक मारा है, अल्लाह अकबर, पता है उसकी क्या वैल्यू होगी इंसान की जिसके चेहरे पर लिखा हो कि इसने अल्लाह के हक को मारा है। कायनात में कोई चीज़ को पूछेगी कि फरिश्ता पूछेगा, कोई उसके लिए हमदर्दी रखेगा? जो इन बातों को नहीं मानता वो तो ईमान ही नहीं उसके अंदर। अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमें समझा दी है कि मैं ये बता रहा हूँ इस पर अगर तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा वो तो हो चुका है जो अल्लाह कहता है, ईमान वाले को तो यकीन करना ही है कि अगर तुमने नमाज छोड़ दी कोई एक तो चेहरे पर क्या लिखा गया, इसने अल्लाह के हक को मारा है शख्स ने। दूसरा क्या है उस पर लिखा कि ये अल्लाह के गजब और गुस्से के अंदर है ये शख्स। कितनी बड़ी बात है कि ऐलान हो रहा है कि इस हट जाओ इस आदमी से, क्योंकि अल्लाह के गुस्से के अंदर है, गजब में है, किसी वक्त पे अल्लाह इसको फना कर देगा, इसके बच्चों को फना कर देगा, घरों को उड़ा देगा, अल्लाह ताला जहन्नम में इसको फेंक देगा, वो लिखा जाता है उसके चेहरे पर। हमें तरस नहीं आता अपने घर वालों, मुझे आप बताएं जब आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं आपके भाई या कोई बेटे औलादें बैठी हैं, कोई तरस नहीं आता हमें? मुझे बताएं क्या हाल इस शख्स का, तरस नहीं आता हमें, ख्याल नहीं जाता कि भाई इतने बड़े अजाब से अल्लाह ताला ने इतना बड़ा अजाब किया हुआ है, दिख गया चेहरे पर कि मेरे गजब के अंदर है। मुझे बताएं। और तीसरी चीज जो लिखी जाती है कि ये शख्स अल्लाह की रहमत से दूर है, क्योंकि एक सहारा हमारे पास अल्लाह की रहमत ही है, गुनाह करते हैं, गलती हो जाती हैं, हम कहते हैं अल्लाह तेरी रहमत ही है, जो हम बाकी कहते हैं ना तो काम बन जाता है अल्लाह की रहमत से, गलती हुई अल्लाह ताला बताया हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब क्या सहारा पकड़ते हैं, अल्लाह की या हय्यु या कय्यूम बि रहमती का पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह के नबी ने हमें ये सजदे में दुआ मांग के बताई बदर के मुकाम पर, औहद के मुकाम पर। तो जब आपने सजदे में जाके ये दुआ लंबी दुआ की, सिर्फ एक ही फिक्र बोला या हय्यु या कय्यूम बि रहमती का अस्तगीस, कुरान है तो यही फिक्र आप बोलते रहे सुबह, और इतना जबरदस्त मामला था उसमें कि शिकत सामने थी, सारी रात आपने एक ही सजदे के अंदर ये दुआ मांगी या हय्यु या कय्यूम बि रहमती, कि पता है हमारे पास एक ही चीज से काम बनेगा, कब, जब तेरी रहमत उतर आएगी। हमें सिखाया, तालीम दी कि जब दुनिया से नाउमीद हो जाओ, बीमारियों से नाउमीद हो जाओ, कहीं तुम्हें कुछ इलाज ही ना रहो, किसी चीज की परेशानी गिर जाओ, तो बेवकूफ़ क्यों सहारे लेते उन चीजों को, आओ अपने रब की तरफ, रहमत को मांगो। या हय्यु या कय्यूम, कितना बड़ा लफ्ज है या हय्यु या कय्यूम, इतना बड़ा कलमा है ना, इतना बड़ा कलमा है कि जिसका आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता, हय्यु कय्यूम, सुभानअल्लाह। अल्लाह ने आप समझ पूरा ऊंचा कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपने कितनी बड़ी तौफीक दी कि दिन रात आप ये कलमा पढ़ते हैं, मजा नहीं है इतने बड़े कलमे का, ये शुक्र ये कर रहे हैं ऊंचा जरा पढ़े फरिश्ते जो खुश होंगे, वाकई भी कदर करने वाले लोग, करोड़ों इंसानों में आप हैं जो सुबह शाम बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह इस कलमे का विर्द करते हैं। अल्लाह कहता है कि जितना रगड़ोगे ना मेरे कलमे को, जब भी तो बार बार सूफी हजार जो है एक कलमे को बार बार पढ़ते हैं, वो जितना पढ़ते हैं अल्लाह ताला इतने खुश होता है। इसी के नाम तो जिक्र है कि बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। जैसे आपने देखा कोई चीज आपको पसंद आया, कोई शेर पसंद आ गया, म्यूजिक वालों को म्यूजिक पसंद आ गया, बार बार वही सांग लगाते हैं, बार बार उस लगाते, तो ये सूफी मुझे बार बार ही कलमे क्यों पढ़ते हैं, बार बार क्यों दोहराते हैं, तुम्हें क्या मालूम कि उनके दिलों में कितना नूर उतरता है, मजा नहीं आता बार बार पढ़ने में? आप आता है, इसको आता है जोर से सुबह लग है, बाद में गया तुमने सबने कह दिया। देखिए तो फिर अल्लाह के नबी ने क्या मांगी, रहमत मांगी,
इसे बता दिया कि ये ऐसा मौका है कि कुछ हमें कहीं से भी अब हमें मदद नजर नहीं आ रही, दुश्मन बहुत ताकतवर है, मस्ती कर रहे हैं, वो तो जय कर रहे हैं, कहते हैं बस शाम तक सुबह तक खत्म कर देंगे इनको। अल्लाह के नबी ने अपनी मौत का एक तरीका बताया, आपकी हर चीज तालीम पर थी, वरना उनके लिए कम था, वो तो एक इशारा करते तो पहाड़ी आकर उनको खत्म कर देते। वो तो पहाड़ तो आपसे मोहब्बत करता था, उसको तो ऐसे जब इशारा करके दरख्तों को बुला सकता है मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए थे दरख्त नहीं आते थे नहीं, तो क्या वो बहुत को इशारा ना करते, उड़ा के रख देते उन सबको, नहीं। लेकिन तालीम देनी थी उम्मत को कि घबराना नहीं, तुम बेसहारा नहीं हो, अगर तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह के साथ है तो फौरन उसकी रहमत की तरफ चले जाओ। फिर हुआ कि आज अल्लाह के नबी ने रहमत मांग के हमें तालीम दी कि इस तरह रहमत मांगो, परेशान ना हो, तो क्या दिखाया, फरिश्ते उतर आए जमीन पे, अल्हम्दुलिल्लाह उतरी भी कैसे, सब ने इमामे पहने थे आपकी तरह, अल्लाह के नबी ने यही बताया कि अल्लाह की रहमत जो इमामे वालों पे बहुत आती है, सुभान अल्लाह, इमामा शर्म, इसकी क्या है लफ्ज़ इसके आखिर शर्म आती है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आज तू मेरी सुन्नत से शर्मा तो कल मैं तेरी शफाअत से शर्माऊंगा। गंदे काम करते शर्म नहीं आती, जब कोई नेक काम को शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे हमने इमामा पहन लिया। यार मैं हैरान हूं कि अगर 10 पैंस भी 10 एक पौड़ा को जमीन पे गिर जाए ना, एक पौड़ तो क्या होगा, उसको उठा लेंगे हम गंदी जगह पे, उठा फिर भी लेगा, कहते बाद में हाथ धो लेंगे, क्या फिक्र था पौड़ ना जाया जाए। एक दफा मैं दुनिया देखने के लिए, मैंने कहा देखिए दुनिया के तमाशे देखते हैं, मैं अपनी दुकान पे खड़ा था, 100 सेंटर में थी दुकान, तो एक तमाशा किया मैंने, कभी कभी ऐसे तमाशे देखते हैं दुनिया के, पौंड निकला था नया नया पौंड है जो, इस पे पीछे मैंने गोंद लगाया, गोंद लगा के ना मैंने बीच में चिपका दिया उसको रास्ते में, मैं कब देखते हैं दुनिया के मज़े देखते हैं। अब जो भी जा रहा है मर्द औरत, जैसे पौंड देखते हैं उखड़ ही नहीं रहा, दोस्त हाथ मारते फिर में फिर आगे निकल गया, हर आदमी उसको बेचारे को नोचने की कोशिश करके पौन मेरे पास आ जाए, सब हंसे जी है दुनिया हमारा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी एक सुन्नत पे तू अमल करेगा 100 शहीदों का सवाब दूंगा तुझे। शर्म आती है इमाम, ये नबी की सुन्नत नहीं है, इमाम मानना चाहती है शर्म आती, तो पौंड उठा दे किसी, इतने मौजूद आदमी मैंने देखा कि पौंड उठा लो मुफ्त में पड़ा है खींच लें, शाम तक वो पौंड किसी के पास नहीं गया, आखिर वापस मेरे पास आ गया। फिर ये दुनिया है बताया, मैं जरा किया जिंदगी बैठ के मैं देखो ये दुनिया जिसमें हम सब मरते हैं, हर आदमी पौंड में मर रहा है, यह पीछे पौंड पड़े फिर आए वापस, कहाँ निकलते हैं पीछे मैं आगे निकल गया, कैसे मेरे भाइयों, तो रहमत को आ गए, अल्लाह की रहमत से हर चीज मिल जाती है इंसान, समझे ना। तो क्या बात क्या बता रहा था कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता उसमें एक अजाब क्या होता है, अल्लाह की रहमत से निकल जाता है 3,000 गजब में आ गया, मुंतजर आ गया अल्लाह के गजब में आ गया, गुस्से में आ गया, उसके मौत पे लिखा गया कि अल्लाह का हक खाने वाला है, और तीसरा ये कि अल्लाह की रहमत भी खत्म, या कहीं से भी निकल गया खत्म, उस पर निकल गया, छोड़नी चाहिए नमाज, कितना ही नुकसान हो रहा हो आपको, नमाज को कभी ना छोड़े, टिल बंद कर दें अपने टक टक करने, वो सारी दोजख है जहन्नुम में सो, फौरन नमाज की तरफ भागो। तो जब इतनी बड़ा अमल है आप मुझे बताएं, इतना फायदा है उसका, तो उसकी हिफाजत इतनी होनी चाहिए नहीं चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर उसकी हिफाजत नहीं होगी तो कितना नुकसान होगा मैं बताएं, 1,00,000 अभी आपको मैं दे दूं, उस लाख को संभालने के लिए आप फौरन बैंक की तरफ भागेंगे, या कोई चोरी ना कर ले, अकाउंट खुलाऊं, इसको हिफाजत से रखूं, पौंड 1,00,000 पौंड है, करते या नहीं करते, करना चाहिए, पैसा है आप हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन जिस अल्लाह ने आपको एक नमाज की तौफीक दे दी जो करोड़ों इंसानों को नहीं दी,
کروڑوں انسانوں کو نہیں دی اس نماز کی توفیق، ان کو توفیق دی ہے مال بنانے کی، کمانے کی، دکانیں چلانے کی، ایک سے دو، تین سے چار بنانے کی، اور آپ کو توفیق دی ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی. میں نے سبحان اللہ اونچا، کتنی بڑی نعمت. ابھی گئے پھر بلا لیا تعالیٰ نے، اور کتنا ثواب مل رہا ہے اس کا اندازہ آپ لگ رہے ہیں. جی میں آپ کو بتا ہی دیا، سب سے بڑا ثواب تو یہ مل گیا، اللہ سے ملاقات ہو گئی. اور ہر ایک کی ہوتی ہے، ہر ایک کو معراج نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف اس کو معراج دوں گا جس کی نماز ایسی ہوئی، جس کی نہیں. نہیں، فیلنگز ڈفرینٹ ہو جائیں گے اللہ کی ملاقات کی، لیکن ملاقات ہوتی ضرور ہے. ہر نمازی کی ملاقات ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن اپنے اپنے سٹیج پہ ہوتی ہے پھر ملاقات اللہ تعالیٰ سے. جس نے جتنی حفاظت کی ہوگی اسی درجے پہ اللہ تعالیٰ سے بات کر کے آتا ہے نماز پڑھ کے. سبحان اللہ. اب تو نہیں چھوڑیں گے نا نماز. ہاں عذر ہو گیا، اللہ نہ کرے کرونا ہو گیا، بیماری ہوگی، مصیبت ہوگی، لیکن نمازیوں کو یہ بھی کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. کبھی کبھی اللہ نے ریسٹ دینا ہو نا تو پھر فلو کر دیتے ہیں، کچھ تو بہت تھک گیا اب فلو کر دیتا ہوں، ثواب تو پھر ملے گا نا عذر پہ. کہتا بیٹھ ثواب تو یہ پورا دوں گا، اب تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، تو پھر فلو کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بیمار کر دیتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے. تو بھائی پتہ ہی چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کی بھی توفیق دے ہمیں. اس تو نماز کی بات ہے، ہر نیکی جو ہے بڑی عظیم چیز ہے. اب میں ایک ایک کا بتاؤں آپ کو نیکی ہیں تو پھر وہ تو لمبا بات ہو جاتا ہے، بس یہاں سے آپ مثال دی، اس مثال سے آپ سمجھ لیں ہر نیکی کی یہ قیمت ہے نماز کے ساتھ، جس طرح نماز کی میں نے بتائی ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ اب جس طرح پودے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں، اس کی بڑھائی کرتے ہیں، اسی طرح اپنے ہر نیک عمل سے فائدہ لینے کے لیے اس کی بھی پرورش کرنی پڑتی ہے. بولے سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بھی پرورش کرنی پڑتی ہے. پودے کی پرورش کس سے کرتے ہیں ہم؟ سب سے ہم کیا چیز بتائی تھی؟ پانی ہے. تو اللہ کے جتنے بھی یہ اعمال ہیں یہ بھی پودے ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ پودے ہیں سارے، یہ پلانٹ کرتے ہیں آپ، بیج ہیں اس کے. درخت کو کہاں پلانٹ کیا آپ نے؟ زمین کے اوپر. اور عمل کو کہاں پلانٹ کیا؟ سبحان اللہ، زمین ہے دل کے اوپر. دل کی جو زمین ہے اس پہ آپ کا عمل بیج ایک دم چلا جاتا ہے، دل کے اندر. یہ دل میں چلا جائے گا آپ فوراً پودا ایک لگ جائے گا. پھر اس پودے کو ہم نے بڑھانا ہے کس طرح کی؟ جس طرح آپ درخت کو بڑھانے کے لیے پانی دیا، اس پودے کو جو آپ نے نماز کا لگایا اس کو بھی ہم نے پانی دے گئی بڑھانا ہے. بولو سبحان اللہ. ان اعمال کو بڑھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا ہے. اگر آپ پانی نہیں دیں گے نماز کو تو نماز بیٹھ دے گی وہیں، بڑھے گی نہیں، آپ کو فائدہ نہیں دے گی. تلاوت قرآن کی آپ نے، اگر آپ نے تلاوت قرآن کے ساتھ اس عمل پہ آپ نے پانی نہیں دیا اس کو، وہ وہیں بیٹھ جائے گا پودے کی طرح، آپ پھل نہیں دے گا، پھل نہیں دے گا. تو لازم ہے کہ جس طرح ہم ان پودوں کو بڑھانے کے لیے پانی کا سہارا لیتے ہیں اور پانی سے ان کی نشو نما کرتے ہیں، اونچی لے کے جاتے ہیں، اسی طرح اپنے اعمال کو بھی ہم کس سے بڑھائیں؟ پانی سے بڑھائیں. یا اللہ وہ کون سا پانی ہے؟ اللہ کہندا پانی تو موجود ہے، پانی تو موجود ہے. وسق ربی کا تبتل و تبتیلا بکرت ہوں اسیرا. سبحان اللہ. اپنے اعمال کے پودے کو صبح اور شام میرے ذکر کے ساتھ پانی دے اس کو. اعمال کا پانی کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. اعمال کا پانی ذکر اللہ ہے. جب آپ نماز پڑھیں اور نماز سے اللہ کا ذکر کریں تو آپ اس نماز کو پانی دے رہے ہیں، آپ کی نماز نشو نما پا رہی ہے الحمدللہ. اس سے مفہوم ہے حدیث کا کہ وہ عمل جو ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا رنگ ہی اور ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کا پھل ہی اور ہوتا ہے. جو عمل اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، عمرہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، حج عمرہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، تلاوت قرآن اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، یہی عمل بغیر ذکر کے ہوں، دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا، کیونکہ یہ آپ اس کو پانی دے رہے ہیں، نشو نما ہو رہا ہے، الحمدللہ بڑھ رہا ہے، بڑھوتی ہے اس کی. تو اس لیے چاہیے بس کو ربی کا بکرا تو مسیرا،
अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह पर फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करो और कसरत के साथ जिक्र करो, जो अमाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ तौफीक अता फरमा रहा हूँ उन अमालों की जिंदगी बुलंद होगी इसके साथ, उसके फल तुम्हें मिलेंगे। वो नमाज वैसी नमाज नहीं होगी, वो ऐसा अमाल ऐसे नहीं होगा, जब आप अल्लाह के जिक्र के साथ करेंगे उनको पानी मिल रहा होगा, उन पौधों को बढ़ते चले जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह फर्क आ जाएगा। हर शख्स जो चाहता है कि उसके अमालों की जिंदगी बुलंद हो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके साथ चाहिए कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। सुबह आपने जिक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी इबादत आएंगी शाम तक सबके लिए आपने पानी दे दिया, सुबहानअल्लाह आपने पानी दे दिया अपने पोटों को। रात में शाम का आपने जिक्र किया, जब रात की सारी इबादत आएंगी आपको पानी दे दिया, सुबहानअल्लाह सलाह होते चले जाएंगे उसके साथ। कितनी मशहूर हदीस है जो हम कई दफ़ा पढ़ते हैं, देखिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, साहबियों को फरमाया कि अरे मेरे साहबियों ना तुम मैं एक ऐसा अमल ना बताऊं कि जो तुम्हारे आमाल में सबसे बेहतरीन हो, क्या मतलब कि तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं कि तुम्हारे आमाल में सबसे ज्यादा बेहतरीन, तुम्हारे आमाल जितने भी हैं जो तुम करते हो उन तमाम आमालों को बेहतरीन बना दे, ऊंचे दर्जे तक पहुंचा दे। बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊं कि तुम्हारे आमाल को बेहतरीन कर दे, फर्स्ट क्लास बना दे। ये नमाज पढ़ी है फर्स्ट क्लास बना दे, जिक्र किया फर्स्ट, तिलावत की है फर्स्ट क्लास बना दे, जो अमल करो उसको बेहतरीन बना दे। फिर फरमाया क्या तुम्हें कैसा अमल ना बताऊं जो तुम्हारे मालिक के नजदीक सबसे ज्यादा पाकीजा बना दे उस अमल को। मैं कैसे तशरीह की है सदी की हल हालों ने देखे कि तुम्हारे अमाल को उस अमल की वजह से तुम्हारे अमाल तुम्हारे मालिक के नजदीक सबसे ज्यादा पाकीजा हो जाएंगे। मिसाल क्या कि जब तुम अमाल करते हो तो उसमें रिया भी आती है, कुबर भी आता है, ये बहुत सी चीजें अमाल के अंदर आ जाती है जो अमाल को खत्म करती है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताऊंगा कि तुम्हारे अमाल को अल्लाह के नजदीक पाकीजा करके पेश फरमाएगा, रिया से भी पाक होगा, दिखावे से भी पाक होगा, यानी पाकीजा अमल करके अल्लाह के सामने पेश होगा वो अमल आपका। जरूर फरमाइए, क्या हो सकता है। फिर फरमाइए कि क्या तुम्हें ऐसे अमल ना बताऊं जो तुम्हारे अमल में दर्जात को बुलंद कर दे अल्लाह के नजदीक। नमाज पढ़ो तो ऐसी बुलंद दर्जे की नमाज हो जाए जिसका तस्वीर भी आदमी ना कर सके, कैसी तुम्हें पानी बताऊं जो तुम सिद्ध हो। देखिए फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया किस तरह तुम सदका देते हो, चांदी सोना ये देते हो, फरमाया वो ऐसा अमल है कि जब तुम अमल करोगे तो इतने दर्जे तक तुम्हारे अमलों को पहुंचाएगा जिस तरह सदका दे रहे हो बुलंद हो रहा है, चांदी है सोना है जितना भी तुम सदका कर रहे हो सदके के ऊंचे मुकाम पर तुम्हें वो ले जाएगा। मतलब इस तरह जहाद हफीज अल्लाह के लिए फरमाया तो जो साहबा थे कहें या रसूल ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है जो हमारे अमालों के इतने दर्जों तक ले जाएगी, वो क्या चीज़ है आखिर, कौन सा अमल है जो आप हमें बताना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिक्रुल्लाह। अब तो मेरी बात का यकीन आ गया, देख हदीस बताइए है ना पानी, जब भी कोई आप नेक अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो उसकी हिफाजत दो चीज़ों से होगी, तरक्की यानी याद रख दो चीज़ें याद रख लें। हमने नमाज पढ़ी तो दो चीज़ों के साथ अगर आप चाहते हैं आपकी नमाज में तरक्की हो जाए दो चीज़ों के साथ आपकी नमाज बुलंद हो जाएगी। ये नहीं कि आप नमाज पढ़ रहे, नमाज तो पढ़ ली हमने इससे खुश ना जी तलाव तो कर ली, नहीं नहीं इसको प्रोटेक्ट करना है, इस तरह इतनी बड़ी दौलत दे दी इसको वैसे छोड़ना है आपकी लो शैतान खा जाए इसको, नहीं दो दो काम जरूर करने हैं हमने। नंबर एक जो अमल को बुलंद कर देगा, पहला काम कि उस अमल पे जो अल्लाह ने आपसे कराया है जो करोड़ों को नहीं होगा, जैसे आप अब सिकर में बैठे हैं यही लोग हैं ना बोल्टन में, ये लोग हैं सारे अल्लाह लोग तो बहुत हैं बोल्टन में, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़े बड़े ऊंचे लोग होंगे,
ہر درجے میں بلند ہوں گے, دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخر بڑے بڑے علم والے بھی ہوں گے, سب ہوں گے اس وقت, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام لینے کے لیے آپ ہی کو چنا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا کسی نے کہ حضرت میں ذکر کرتا ہوں کچھ مزہ نہیں آتا, یہ لوگ جو بھی دنیا ان کو مزہ نہیں آتا نا ذکر کے اندر, ہیں جی اتنے چھوڑے بیٹھے گپ شپ مارتے ہیں, ہمارے پاس تو یہ ہے, ہم تو وہ ہیں, ہم تو فلاں ہیں, اپنے اپنے مقام کی باتیں کرتے ہیں سر, ہم تو فلاں ہوئے, ہمیں کیا ذکر کی ضرورت ہے, ہیں جی اس لیے تو لوگ نہیں آ رہے. ابھی بریانی کے دیکھ چڑھ دیں آپ سب آ جائیں گے, اس میں مزہ آئے گا نا کھانے میں, پیٹ میں جاتا ہے بریانی ٹانگیں کیوں, مزہ آ رہا ہے, ہم تو مزے پہ چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں ذکر تو کرتا ہوں مطلب مزہ نہیں آ رہا اس میں, ظاہر سے مزہ نہیں آ رہا, سستی آ رہی جیسے دیکھ لیں آپ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے ذکر میں مزہ آتا ہے. سبحان اللہ, آپ کی زبانوں میں ٹیسٹ لگا دیا اپنے نام کا اللہ تعالیٰ نے نا, آپ بھی تو وہ انسان ہے جس طرح جو بھاگے ہوئے یہاں سے, ذکر صبح کے بول رہا ہوں کیا جی ذکر کر کے نماز پڑھ لی, ہم جائیں گے تلاوت کر لیں گے, ہم تو فلاں کر لیں گے یہ کر لیں گے, ہمیں ضرورت نہیں ہے جی, ہم تو پڑھے وہ ہیں, ہم تو پڑھے جی ہیں. تو کیا ہے, ایک ہوتے اللہ کا سلیکشن انتخاب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے, تو اب یہ کتنا بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے بولا, ذکر اللہ اکبر آلاؤ اولاؤ, جو کہتے ہیں آپ آخر جو نعرے مارتے ہیں جب خطبہ پڑھتے ہیں, اولاؤ اولاؤ درج سب کچھ ذکر کے بارے میں کہہ کے پھر خطبے کو بند کرتے ہیں, کہتے ہیں ذکر اولاؤ اولاؤ افسر, یہ کتنی گردان چلتی ہے پوری آخر میں خطبے کی, وہ کس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے, ذکر کی تعریف کر رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں امام صاحب تعریف کر رہے ہیں. تو جس کو توفیق دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے, جنہوں کے دلوں میں ٹیسٹ ڈال دیا, وہ کہتے ہیں ہم پاگل ہیں, جمعے کے بعد بغیر ذکر کیے چلے جائیں, وہ بیٹھتے ہیں اور ذکر کر کے جاتے ہیں. پھر بولیں سبحان اللہ, یہ نعمتیں اللہ آپ کو دے رہا ہے, تصور کریں اس بات کی, آپ جب یہ کھلیں گے نا لفافے آخرت میں, جانے والوں کو بھی دیکھیں گے اور بیٹھنے والوں کو بھی دیکھیں گے, سب کو آتا ہے جمعے سے نکل جانا جمعہ کے پاس, لیکن جب اتنی بڑی تعریف ہو رہی ہے خطبے کے اندر آلہ اولا درجہ اس عمل کی, تو پاگل ہم نکلے, ہم کہتے ہیں نہیں یار 10 منٹ لگا دیں گے فرق نہیں پڑتا, اللہ کو راضی کر کے ذکر کر کے مسجد سے نکلتے ہیں, کرتے ہیں آپ, ہوتا ہے کسی مسجد میں کسی جگہ ہوتا ہے, ایسی نایاب چیز ہے کہ اللہ جہاں چاہتا ہے, جیسے سونے کی کانیں ہر جگہ نہیں ہوتی ہیں, ڈائمنڈ ہر جگہ نہیں ملے گا, سبحان اللہ ملتا ہے ہر جگہ ڈائمنڈ, سونا ہر جگہ ملتا ہے, تو ذکر ہر جگہ ملتا ہے, ملتا وہاں جب کوئی اللہ والا ہوتا ہے, سونا وہاں سے ملے گا کوئی سونے والا ہوگا نہیں, تو ذکر کہاں سے ملے گا اونچا بولیں, جہاں اللہ والا ہوگا, اللہ والا یعنی اس کا اللہ ہی ہوگا اس کے اندر, وہ کچھ نہیں ہوتا, کتنی بڑی بات, ایسے کیوں مل جائے گا ذکر, اور کیا چیز ہے ذکر, اللہ کہتا ہے کہ جس جگہ بھی وہ اللہ والا بیٹھ کے جب ذکر کرتا ہے, مسجد میں بیٹھے, باہر بیٹھے, گلی میں بیٹھ جائے, جہاں بیٹھے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس خطے کو میں جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہوں, اور اس میں ایسا نور پیدا کر دیتا ہوں اس خطے کے اندر, اس زمین کے اوپر, کہ آسمان والا, دنیا والے تو اندھے ہیں, ان کو تو یہ مال نظر آتا ہے پونڈ اس پہ چمکتے ہیں, لیکن فرماتے ہیں کہ جو اس کی روشنی کو کون دیکھتے ہیں, کہ جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے آسمان پہ فرشتے جو ہیں اس کی روشنی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہ یہ کیا روشنی ہے بھائی, یہ شان اللہ والوں کی, اللہ والوں کو پیسوں سے نہیں پہچانا جاتا, مال سے نہیں پہچانا جاتا, دکانوں سے نہیں پہچانا جاتا, معجزہ سے نہیں پہچانا جاتا, کراماتوں سے نہیں پہچانا جاتا, علموں سے نہیں پہچانا جاتا, بس کس سے پہچانا جاتا ہے, اللہ کے ذکر سے پہچانا جاتا ہے. یاد رکھیں اللہ کے والوں کو اگر پہچاننا ہے, ایک ہی پہچان ہے ان کی, نہ ان کی کراماتیں ہیں نہ ان کی فلاں چیزیں, اگر اللہ والوں کو آپ نے پہچاننا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث ہے, یہ حدیث اٹھا, میں نہیں کہہ رہا کہ کسی اللہ والوں کو پہچاننے کے, اللہ والا کون ہے یار تلاش کرے, کرتے نا لوگ, کیوں جی چلو دعائیں کرائیں گے, چلو ٹھیک ہے دعائیں کے لیے تلاش کر لو, آج دعا مانگنے آئیں گے کل نام سیکھنے آئیں گے انشاءاللہ, تعلق تو بڑا, چلو تعویذ لینے آ جاؤ یار, چلو پانی دم کرانے آ جاؤ, آؤ تو صحیح اس کے پاس, لیکن آؤ گے دم کرانے انشاءاللہ اللہ ہی لے کے جاؤ گے,
अल्लाह ये चश्मे लगाए इसलिए, तो किसी अल्लाह वाले की पहचान क्या है? कोई पहचान नहीं है, करामात होना, फला होना, अज होना, कुछ ही नहीं। अल्लाह वाले की पहचान यह है कि सिर्फ एक ही चीज उसके पास आपको मिलेगी, और क्या मिलेगी? अल्लाह का जिक्र मिलेगा। सुबह का जिक्र, शाम का जिक्र, जिस वक्त भी हो, बात उसकी सिर्फ एक ही होगी, अल्लाह के जिक्र की बात होगी। तो फौरन उससे अपने आप को जोड़ लो। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैंने हजरत साहब की कोई करामात नहीं देखी थी, कोई मौजदा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा था ना, कभी ऐसी चीज थी मालूम दिल्ला, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही चीज देखी थी, हर वक्त अल्लाह के जिक्र के अंदर मराकिब होते थे। मदीना हो, मक्का हो, हज हो, उमरा हो, बैतुल्लाह हो, मैंने सिर्फ एक ही चीज हजरत की देखी कि इतने जाकिर थे, आपकी जबान गली हुई थी अल्लाह के जिक्र से। खत्म, इस और क्या निशानी इसके बाद? मैंने जिंदगी में कोई करामात, कोई चीज ऐसी हजरत के अंदर देखी ना, तलब की ना, मुझे ख्वाहिश थी। इससे बड़ी और क्या चीज है कि जिस जो आदमी अल्लाह के जिक्र में फना है, तो उससे बड़ा अल्लाह का दोस्त कौन हो सकता है? मैंने आंख बंद की और तमाम उन लोगों से मैंने गर्दनें फेर ली जिनके नाम बड़े बुलंद थे, ये करामत है, ये फला कर। मैं अपनी जिंदगी में सारे आपको देता हूं कि मुझे सबसे मोहब्बत क्यों हुई। कोई उन्होंने मुझे करामत नहीं दिखाई, उड़ के नहीं दिखाया, कोई ये नहीं कि ऐसा तावीज दे दीजिए, अल्लाह ही, कभी मैंने ना ख्वाहिश की ना मैंने चाहा उनसे। मैं तो दुआ भी नहीं कराता था हजरत से, क्यों? कि दुआ कराने की जरूरत ही नहीं, जब अल्लाह वाले के पास बैठ गए तो दुआएं खुद कबूल हो रही हैं। और हमने कह दिया, हजरत ने ये जवाब दिया, मक्के मुकर्रम बैतुल्लाह में थे, हज का जमाना था, तो नहाने के लिए पानी नहीं था, मुझे पता है कि जो कुछ अल्लाह ही देता है। मैंने हजरत किया, आज जुमा है हजरत, पूरा हफ्ता हो गया, हम तो सड़कों पर रहने वाले आदमी थे, अपने शेख के साथ जब जिंदगी गुजारी सड़कों में गुजारी है, 5-star होटलों में नहीं मिलता अल्लाह वाला, सड़क पे मिलता है। एक बैग होता था, सड़क होती थी, बस फुटपाथ पे चाय की प्याली, उसके बाद फिर कोई खाना वाना नहीं। तो भाई मैं कहा था पानी दुआ फरमा दें, कहते मुझसे क्यों कहता है? वो बैतुल्ला है सामने, मुल्तजी में जाकर खुद दुआ मांग ले। सुभान अल्लाह, समझ गया मैं कि बात तो बिल्कुल सही है, जब बैठा अल्लाह वाले के साथ है तो जो दुआ तू मांगेगा वो वसीले से मांगेगा अपने शेख के, अल्लाह पूरी करेगा। निस्बत रखी है अल्लाह वालों के साथ। मैं अपनी तब इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं तो अल्लाह वाला नहीं हुई ना, मैं आपको दावतें दे रहा हूं, मैं तो एक जूते को खाक में नहीं, अल्लाह वालों की मतलब आपको तरगीब दे रहा हूं। आप आए तो मैं तरगीब दे रहा हूं, अल्लाह वालों को तलाश करें, और तलाश ही कर आपको क्या बताया मैंने तरीका, क्या है, क्या तरीका है? जहां जहां अल्लाह का जिक्र नजर आए, जिस बंदे के पास अल्लाह का जिक्र नजर आए, तो उसको अगर कोई अल्लाह वाले समझता तो ईमान का दर्जा ही बहुत गिरा हुआ है। और कुरान को ही नहीं समझा, वो हदीस को ही नहीं समझा, उसको पता ही नहीं चला क्या चीज है, उसके दामन से चिपक से है। बस मैं खुद नहीं कह रहा, मुजद्दद उस्मानी की जबान से बात कर रहा हूं आपसे, कि जो शख्स किसी नक्शबंदी शेख नक्शबंदी जो होते हैं ना, खालिस अल्लाह की याद में डूबे हुए होते हैं शख्स, क्योंकि बाकी सिलसिले जिक्र जो होता है वो जबान से होता है। मैं हर सारे सिलसिले बड़े अहम, बड़े बुलंद हैं, सब हक हैं, बद हक हैं, सबके तरीके पर हक हैं, क्योंकि चारों सिलसिलों से मेरा ताल्लुक है, सब बिल्कुल एक से एक आला सिलसिला है। लेकिन नक्शबंदी सिलसिला ऐसे ही मुनफरिद है, ऐसे ही बुलंद है, जैसे सारे सहाबा में अबू बकर सिद्दीक बुलंद है। सारे सिलसिले किससे मिलते हैं? हज़रत अली से। और नक्शबंदी सिलसिला किससे मिलता है मुझे बोलो? तो फर्क इतना ही है, अब मैं कुछ नहीं कहता, सब सिलसिले बुलंद, लेकिन फर्क इतना, क्यों? सुभान अल्लाह, सिद्दीक की एक ही चीज थी, एक ही फिक्र नबी पाक कबू सद्दीक के बारे में आप सुन ले, कि जो कुछ मेरे सीने में था सद्दीक तेरे सीने में डाल दिया। तो इस सिलसिले में यह मिलता है कि खामोशी से सारा काम मिलता है, जो कुछ शेख के सीने में होता है वो आपके सीने में पढ़ दिया जाता है, कोई शोर शराबा है ही नहीं, बस इखलास के साथ सीने के साथ सीना जोड़ रहे हैं। इसको कहते हैं मराकबा, इसको क्या कहते हैं? तो ये ऐसा तरीका है सिलसिला जिक्र का, अल्हम्दुलिल्लाह,
इतना बेहतरीन तरीका है कि बगैर मांगे आंख बंद करें, अपने शेख की सामने सामने तस्वर फरमाएं और अपने उस लतीफे को जिसके जिक्र कर रहे हैं सामने पेश करते हैं शेख के, अल्हम्दुलिल्लाह फैज उतरना शुरू हो जाता है। क्योंकि तरीके सद्दीक अबू बकर क्या अल्हम्दुलिल्लाह का है, इसलिए सिलसिला बहुत अफजल है, मुनाकबा बड़ी अफजल चीज है। तो हजरत मुजद्दद सानी फरमाते हैं कि जो किसी नक्शबंदी शेख सिलसिले से मिल गया कामिल शेख हो, तो मेरी तरफ बहुत से उल्टी सीधी शेख हैं, असल कामिल शेख हो उसके साथ उसका हाथ पड़ गया, हजरत मुजद्दद गारंटी दे रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि तू कभी भी नाकाम जा ही नहीं सकता दुनिया से। बात ही होगी ना भाई, कमाल है। तो इतने अल्लाह ने रास्ते हमें दिए हैं सुभान अल्लाह, फिर भी हम अल्लाह का जिक्र ना करें। अल्लाह के जिक्र से हमारे अमाल कबूल होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं, अल्लाह उन अमलों को पाक फरमा देता है, अल्लाह ताला उनके दर्जों को बुलंद फरमा देता है, अल्लाह कबूल फरमा देता है। हमने जिक्र नहीं करना, हमने आना ही नहीं अल्लाह के जिक्र पे, हमें पसंद ही नहीं, हमें मज़ा ही नहीं आता, हमें यकीन ही नहीं आता। तो और शैतान ने क्या काम करने से, मेरे भाइयों लग जाए इस रास्ता तो काम पर, इस रास्ते पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जिक्र से कभी गफलत किसी बहाने से आपको शैतान डाले, मज़ा नहीं आ रहा, फला नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फ़ायदा कैसे करना, कुछ समझ आए ना आए, पता चले ना चले। हज़रत हकीम उम्मत फरमाते हैं स्थानीय रहम जो है कि मज़ा आए ना आए, दिल करे ना करे, तबीयत चाहे ना चाहे, लेकिन जिक्र को मत छोड़ना सुभान अल्लाह। उसमें फायदा है, जरूर फायदा पहुंचेगा, तू महसूस करे ना करे तुझे फायदा पहुंच रहा है। बस अल्लाह का शुक्र यह करें। हाँ बता रहा था अमाल का किस चीज से, दो चीजों की हिफाजत होगी अमाल से। नंबर एक कि जो अमल अल्लाह को करने की अल्लाह तौफीक दे रहे हैं, मैंने बताया जिक्र भी तौफीक दी आप, आगे बात होगी थी इस पर। नमाज कोई भी दे रहे हैं तो सबसे पहले उसकी हिफाजत किससे कम करेंगे, उस पर शुक्र करें कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने करोड़ों इंसानों में मुझे चुन लिया कि मैंने आज जोहर की नमाज अदा कर दी। ये जरूर कहें, इससे आपका अमल महफूज हो जाएगा, यानी पानी दे दिया आपने अमल को, पौधे को आपने पानी दे दिया, अल्लाह ताला बहुत तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि तूने मुझे नमाज की तौफीक दी है, मतलब मैं अगर देखूं तो करोड़ इंसान ऐसे हैं कुछ नमाज से फारिग हैं, मैं आ गया नमाज पर, ये तेरा करम है। हर नमाज जो जमात के साथ पढ़ें दिल के साथ अल्लाह का शुक्र करें, ये पानी है इसका। दूसरा अल्लाह का जिक्र, जिक्र नहीं सीखा किसी नक्शबंदी शेख से, कल भी जिक्र सीखे टोटे की तस्वीर वाला जिक्र नहीं, ना ना तस्वीर क्या, दिल को तस्वीर बना ले सुबह, दिल को तस्वीर बनाए, हाथ वाली तस्वीर क्या होती है, ये तो नक्शबंदी की शान में नहीं कि हाथ में तस्वीर पकड़ते फिर एक दो तीन चार, या गिनती नहीं है, काउंटलेस काउंटलेस जिक्र है हमारा, तो जिसको कहते हैं ना कि वो फीड करते हैं आप टेलीफोन के अंदर, क्या कहते हैं उसको, अनलिमिटेड अनलिमिटेड मैसेज है तो अल्लाह ताला के साथ, कोई लिमिट नहीं है इसकी। टेलीफोन पसंद करते हैं ना कि अनलिमिटेड मैसेज चाहिए, तो ये जो मिल रहा है अनलिमिटेड मैसेज क्यों नहीं करते, कल भी जिक्र, इसकी कोई लिमिट नहीं। जब तक तेरा जिक्र तेरा दिल चलता रहेगा दुनिया के अंदर, चाहे तुझे टीबी होगी, बीमार हो गया, पागल हो गया, बेवकूफ हो गया, जो कुछ भी जिस हालत में, अगर तूने दिल का जिक्र सीखा हुआ है, किसी हालत में तू पहुंच गया दिल तेरा जिक्र करता ही रहेगा। बेहोश भी हो गया, मैं आपको बताता हूँ कराची में अपने एक रिश्तेदार की बात बताता हूँ, अनकरीब बात, आप सोचिए हार्ट का ओपन ऑपरेशन हुआ उसको, हार्ट का भी कराची की बात बता रहा हूँ, पूछें तो आगा खानी हॉस्पिटल में जाके आप खुद पूछ सकते, प्रिंसिपल साकिर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, जिन बुजुर्ग की मैं आपसे बात कर रहा हूँ बड़ी जमात है, वो जिक्र भी कराते, तो उनको हार्ट की तकलीफ हुई तो उनका जो ओपन हार्ट सर्जरी होगी ठीक है, बड़े बड़े डॉक्टर थे जो सर्जरी करते हैं, आगा खानी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो उन्होंने सीना खोल दिया पूरा, दिल बाहर निकाल दिया, तो सर्जन जो था हेड सर्जन वो बाहर आया उसकी बीवी के पास, कहते हैं क्या तुम्हारा खान क्या काम करता है, कहते जी कुछ नहीं, कहते इसका दिल जो है एक अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है, बोल ये क्या है,
वो हैरान था, बेहोश पड़ा है बंदा, दिल का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन दिल क्या कर रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूछ रहे हैं आप जाके आगा खाने, ये ना होता तो वो हंस पड़ी, कहने की जी ये अल्लाह का जिक्र करते हैं, कहता सुभान अल्लाह, सुना तो हमने था, आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ इस चीज़। मैं सुनते थे हम भी थे बुजुर्गों की बातें, लेकिन अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैं इसका ऑपरेशन कर रहा हूँ खुला है, उसका दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जिक्र कर रहे थे। तो मेरे भाइयों, किसी अल्लाह वाले की उंगली लग जाए आपके दिल पर तो कभी ना सोचें फायदा नहीं हो रहा, ये नहीं हो, जिस हालत में भी आप होंगे, बेहोश भी पड़े होंगे आप, मुर्दा भी पड़े होंगे, बल्कि मुझे कहने दें, अगर कब्र में भी चले जाएंगे तो आपका जिक्र ही चलता रहेगा इंशाअल्लाह। दिल मुर्दा नहीं होता, दिल ऐसा जिंदा हो जाता है कि क़यामत तक जिंदा रहता है। मुलित लोग आए किसी अल्लाह वाले की जागे, तो इसकी कदर करें, ये ना मुंह ढीला कर लिया करें, फायदा नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं हो रहा, हम तो ये समझते थे तो फलां, हमारा फलां काम नहीं हुआ, हमारा ये काम नहीं हुआ। फौरन लाहौल पड़ा करें कि सबसे बड़ा मेरा काम हो कि अल्लाह मुझे मिल गया, मुझे इसके साथ कोई फायदा नहीं चाहिए, और कुछ मुझे दुनिया का कोई फायदा नहीं चाहिए, दुकान ना मिले, जो ना मिले, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे अल्लाह मिल गया इस नाम से। अल्लाह पाक हम सबको अपना जिक्र करने की तौफीक नसीब करे। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المسلمين طه وياسين النبي والأمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا। या अल्लाह तो अपने फजल करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हम सबकी बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह हमारे सगीर के भी गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह जो ज़िंदगी हमने गफलत में गुजरी मेरे मौला हमें माफ़ फरमा दे, या अल्लाह जो नादानी में हमसे गुनाह हो गए मेरे मौला माफ़ फरमा दे, या अल्लाह जो खताएँ हमसे होगी माफ़ फरमा दे मेरे मौला, या अल्लाह तो पे करम रहम फरमा मेरे मौला, या अल्लाह तो आज के हमारे हाजिरी को कबूल फरमाओ, या अल्लाह जो दुआएँ मांगी उनको कबूल फरमाओ, या अल्लाह तो हम सब की मगफरत फरमा दे, ऐ मेरे मौला अज़ाब कब्र से बचा ले, या अल्लाह निज़ा के वक्त से बचा ले, या अल्लाह मौत का वक्त हम पे आसान फरमा दे, या अल्लाह मौत का वक्त हम पे आसान फरमा दे, या अल्लाह हमारी आखिरी उम्र आसान फरमा दे, या अल्लाह हम पे आजमाइश ना डाल, या अल्लाह कोई हम पे आजमाइश ना डाल, या अल्लाह हर दीनी आजमाइश से हमें बचा ले, सेहत और आफियत नसीब फरमा, या अल्लाह सेहत और आफियत नसीब फरमा, या अल्लाह इल्म नाफा नसीब फरमा, अमल नसीब फरमा, नमाज नसीब फरमा, तलावत नसीब फरमा, जिक्र नसीब फरमा, अच्छे अमाल नसीब फरमा, उन सब पे हमें शुक्र नसीब फरमा, जिक्र नसीब फरमा। ऐ मेरे मौला तो अपने फजल करम से अपने हबीब के सदके से हमारी दुआओं को कबूल फरमा, बार बार हमें अच्छी महफिल नसीब फरमा, अच्छे साथी नसीब फरमा, अच्छी सोबतें नसीब फरमा, या अल्लाह अपने अमाल के नेक अमाल से हमें मोहब्बत नसीब फरमा दे, या अल्लाह बुरे अमालों से हमें नफरत पैदा फरमा दे। ऐ मेरा मौला अपने फजल खास से हमारी मजलिस को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार उनको शिफा नसीब फरमा, या अल्लाह जो परेशान उनकी परेशानी को दूर फरमा, या अल्लाह जिन हजरात ने दुआओं के लिए कहा मेरे मौला उनके हक़ में दुआओं को कबूल फरमा, ख़ासतौर पर एक वीगन में एक फैमिली है जो बहुत सख्त इस कोरोना की बीमारी में आ गई है बेचारे, उनके घर वाला भी मर गया, बाकी बच्चे भी सख्त उसमें बीमार हैं, और कोई बहुत सख्त बीमारी के अंदर पूरा आलम है, उनके लिए दुआ ख़ास फरमाए, अल्लाह ताला उनकी निजात फरमाए, इस बीमारी से सबसे निजात फरमाए, या अल्लाह हम सबको इस बीमारी से बचाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।